क्लैट में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुक्का कैसे मारे। अब डेफिनेटली सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो है नहीं आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पे तुक्का मारने पे मजबूर कर देंगे। तो ये तुक्का क्या एम ही मार दे, जो मन में आया वो आंसर टिक कर दे, या तो जय माता दी कर दे, द आंसर इज नो। तुक्का मारने के लिए भी एक टेक्निक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि उस क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो कंक्लूजन बेस्ड है, दैट इज लीगल, LR एंड इंग्लिश, इसमें येस या नो वाले अगर ऑप्शंस क्वेश्चंस ऐसे हैं तो पहले आइडेंटिफाई करो कि इसका आंसर येस है कि इसका आंसर नो है। तो जो ऑप्शन में से नहीं आता है उस क्वेश्चंस को क्या कर दो, यहाँ पे उस ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, और फिर उसमें से जो सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाओ उस RC में जो आपको टॉपिक दिया गया है उसके साथ, उससे फिर आप उस आंसर को क्या कर दो, मार्क कर दो। एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा गाइस। सी, आपको चार ऑप्शंस आते हैं A, B, C एंड D। ये चार ऑप्शंस में से अगर सपोजिंगली आपको कोई भी दो ऑप्शंस में अगर कंफ्यूजन है कि बी है या सी है, ए और डी पक्का नहीं है अगर ये आपको पता है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये वो कौन सा क्वेश्चन बन गया, 50% क्वेश्चन बन गया। मतलब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं दो ऑप्शंस में, तो यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को कभी भी पहले सॉल्व करने की गलती मत करना घाय घाय में। मेक श्योर करो कि पहले वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें आप 100% जो है वो श्योर हो, मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि वही क्या है आंसर है। और तुक्का मारने के लिए हमें थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये क्या है, नेशनल लेवल एग्जाम है, तो बिना लॉजिक का इस्तेमाल किए तो हम लोग इसको तुक्का मार ही नहीं सकते हैं। तो मैम जो आंसर्स नहीं आते, क्या सारे आंसर्स में तुक्के मारते जाए, जय माता दी करते जाए, द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है गाइस, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये नेगेटिव मार्किंग जो है हमारे लिए क्या बन सकता है, माइनस पॉइंट बन सकता है। इसीलिए सारे आपको आंसर्स में तुक्के मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्ही आंसर्स में तुक्के मारिए जहाँ पे आपको 50% जो है कन्फ्यूजन है कि या तो ये है या तो ये है। बिकॉज हाई चांसेस आपका आंसर जो है, अगर आपने लॉजिक के साथ मार्क किया है, तो हाई चांसेस आपको वो आंसर क्या जाएगा, राइट जाएगा। हमेशा टॉपिक को क्वेश्चन के साथ रिलेट करने की कोशिश करो कि जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, जो एक्सप्लेनेशन आपको RC में दिया है, उन दोनों में कनेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, एक ब्रिज जो है वो गैप जो है उसको फिल करने की कोशिश करो, डेफिनेटली आप करेक्ट आंसर तक पहुंच ही जाओगे। एंड याद रखिएगा कि अगर इनमें से आपको एक ऑप्शन पता है नहीं है और तीन ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे उन क्वेश्चंस को आप लोग लास्ट में सॉल्व करें, बिकॉज हाई चांसेस इसमें तुक्का रॉन्ग भी जा सकता है। सो यहाँ पे जब भी तुक्का मार रहे हो, पैसेज सही तरीके से समझो, ऑप्शंस को समझो, एंड दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करो, एंड फिर तुक्का मारने की कोशिश करो। फॉलो बी एडुकेट फॉर मोर सच अपडेट्स।